ये भाई थाईलैंड से मंगवाया है। ओके, थाईलैंड से इंपोर्ट है, तो देख सकते हैं किसका मतलब ब्लड लाइन कौन सी कैरी करता है ये। ग्रीनस्टोन भाई। और ये आ गया अपनी। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। सो आज का ये व्लॉग होने वाला बड़ा ही शानदार और मजेदार, क्योंकि आज के व्लॉग का सीन ये है, आज आपका भाई चला है गुरप्रीत पारी के पास और आपको ना बड़े ही बेहतरीन साइबेरियन हस्की दिखाने हैं आपको। मतलब है ना, मैंने वैसे दो वीडियो बनाई हुई है, बट है ना बाजी की न्यू कलेक्शन दिखाऊंगा। मतलब और बाजी ने डॉग इंपोर्ट भी करवाया है, आई थिंक एक डॉग इंपोर्ट करवाया है, वो आपको दिखाऊंगा। तो और भी बहुत सारे हस्की दिखाऊंगा, मतलब गैंग ही दिखाऊंगा हस्की। तो ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, एंड तक बने रहना। तो गाइस टाइम नहीं वेस्ट करते, ब्लॉग को शुरू करते हैं। सो फिलहाल आपके भाई ने एंट्री की थी, तो है ना कैनल सेटअप आप देख सकते हैं प्रॉपर। भाजी ने कैनल ही चेंज कर दिया 10 महीनों में, मतलब देख सकते हैं आप। तो मैं आपको हरप्रीत भाजी से मिलवाता हूँ, तो ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। हमारे साथ है हरप्रीत भाजी। और भाजी कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, आप बताइए। मैं भी बढ़िया भाजी। तो सबसे पहले तो आपने ना नक्शे ही भाजी चेंज कर दिया आपने, कैनल का आप खुद ही देख सकते हैं। जैसे 10 महीने पहले ये कुछ नहीं था, ये सारा चेंज कर दिया सेटअप प्रॉपर। अब भी पेंट चल रहा है आप देख सकते हैं उधर। तो पारी सबसे पहले ना आपने जो हस्की बताया है, मतलब हस्की और गैंग बना ली है, मतलब कलेक्शन हस्की की काफी ज्यादा कर लिया, कितने होंगे आपके पास हस्की? हस्की हमारे पास भाई नियर अबाउट हो गए 22-25। ओके 22-25 होंगे आपके पास। पपीज भी आई थी? पपीज भी। पपीज को मिलाकर पपीज अलग है हमारे पास, और अडल्ट अलग है। ओके, सेमी अडल्ट अलग है भाई। ओके ठीक है। और शिट्जू की भी ब्रीडिंग कर रहे हैं पाजी, तो शिट्जू के बारे में बताओ थोड़ा सा। शिट्जू के भाई एक फीमेल मैंने घर पे रोकी है और 3 बच्चे मैंने सोल्ड आउट कर दिए हैं। ओके ठीक है। और मैं आपको अपना कैनल दिखा। सो गाइस आप देख सकते हैं कैनल सेटअप देख सकते हैं, ये केजेस देख सकते हैं, बड़े ही प्यारे हस्की बैठे हैं इधर, और इधर प्यारा सा गोल्डन रिट्रीवर भी बैठा है देख सकते हैं, बड़े ही प्यारे हैं गाइस। तो ये वाले पहले थे और ये पाजी ने नए बनाए आप देख सकते हैं। तो और पाजी केजिस का क्या अपना एरिया होगा भाई? ये 5x5 के और 4.5x4.5 केजिस है। ओके, ये भी नए बनाए हैं ठीक है। और इनमें जो ये गैप है, इनमें 2 बाउल टिकेंगे, एक में पानी होगा, एक में मतलब के खाने के लिए, और ये ऐसे बाहर आ जाएगा और इसमें डाल के फिर वैसे अंदर चला जाएगा, अंदर चलाएगा ऐसा गार्ड बनाते हैं। और ये हमारा बोर्ड है, ये तो आप देख सकते हैं गाइस। सामने है ना आपको दिखाने हैं हस्की, हम इनको इकट्ठों को छोड़ेंगे बाहर, तो आपने देखना है कि क्या कुछ करते हैं, इनकी हरकतें देखेंगे और पाजी के न्यू डॉग्स भी देखेंगे और इन्फॉर्मेशन लेंगे न्यू डॉग्स के बारे में। तो देख सकते हैं जो केज है बाहर भी बन रहे हैं छोटे बच्चों के लिए, वो भी दिखा, वो भी आप देख सकते हैं कलर हो रहा है आप देख सकते हैं। सभी को निकाल देंगे तो देखना कैसे भागेंगे। तो देखिए बड़े ही प्यारे हैं, ओवर एक्साइटेड है देख सकते हैं। दो फीमेल उतर है वो भी हम दिखाते हैं गाइस। तो पाजी सबसे पहले हमने आपका इम्पोर्ट डॉग देखना है, इम्पोर्ट डॉग कौन सा है? ये भाई हमारा अभी ये बच्चा है। ओके, तो हमने एक बार इसको मतलब इसका प्रॉपर हमने दिखाना है, इसको देख सकते हैं। ये आ गया ओरियो, ये बुली कोट में है कि डबल बुली कोट में है? ये भाई डबल बुली कोट में है, अभी 11 मंथ का हो चुका है भाई। 11 मंथ का है, मतलब अभी जैसे सीजन है नहीं, हेयर फॉल हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं इसकी लुक देखिएगा, इस बड़ा ही सही है। और ये आगे अपनी रोज थी, ये रोज है, आपने रोज इसने भी कोट शेड किया हुआ है, रोज भी बड़ी ही प्यारी है गाइस देख सकते हैं। हस्की का तो आपने पता ही है, हाउल देख सकते हैं, हाउल कैसे करते हैं आप, हस्की का तो सीन ही अलग होता है देख सकते हैं, थोड़ी सी ओवर एक्साइटेड। और पर ये हाउल ही करते हैं कि बार्क भी करते हैं? ये कभी कभी बार्क भी करते हैं और ज्यादा ये ज्यादा हाउल करते हैं ठीक है। और सेकंड डॉग बताइए जो नए आपने लाए हैं? ये भी नया है भाई। ओके, ये फीमेल इसका क्या सीन? ये मैटेड हुई भी है अभी, ओरियो ने मैट की थी अभी। ओके ठीक है, ये लगभग 1 मंथ की कंसीव है ये फीमेल। ओके ठीक है। तो बड़ी और एक ये हमारी फीमेल है, इसका नाम है रैनी, और ये अभी सेमी अडल्ट है, 7 मंथ ओल्ड है। ओके ठीक है जी, बड़ी शरारती है। हस्की तो मतलब जैसे हम बात करें हस्की को हम खुला छोड़ ही नहीं सकते कि कमांड सुनते हैं ये कि नहीं सुनते? नहीं, कमांड नहीं सुनते, मतलब ये अपनी मर्जी करते हैं। एक बार घर से भागे तो आगे की आगे भाग के भाग वापस चाओ चाओ को भी सेम सी जीना है गाइस।
मेरे पास भी जैसे आपको पता है सुल्तान है चाओ चाओ, मुझे लगता है कि मेरा ही डॉग ऐसे करते हैं, मतलब चाओ चाओ ब्रीड ही ऐसे करते हैं, बट हस्की भी आप कह रहे हो कि हस्की भी करती है। इनके खेलने के लिए बनाया हुआ है, एक बार दिखाते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं इनके खेलने के लिए बनाया हुआ है, ये इनका सेटअप है देख सकते हैं आप। अभी इनको निकाल लेंगे नहीं क्योंकि बारिश के कारण कीचड़ हुआ पड़े, नहीं तो गंदे हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इन्होंने वैसे कॉट सेट किया हुआ है, देख सकते हैं गाइस। ये मुझे सबसे पहले तो हमें ओरियो सही लगा है, ओरियो ओरियो देख लो गाइस, ये इनको सुनता नहीं है। और बताइए पाजी और का क्या सीन है, और दिखाइए। आ जाओ आपको बच्चे भी दिखाता हूं, okay. जो हमारे चैनल की शान है शैडो, जो शैडो और रॉक्सी हमने दिखानी है गाइस, क्योंकि जैसे शैडो के कारण ही आपके पास इतने सारे हस्की हुए हैं, मतलब शैडो हम क्यों कह सकते हैं हस्की। ओके ठीक है, देख सकते हैं आप, है ना। तो गाइस आप देख सकते हैं ओरियो को, आप देख सकते हैं। तो ये आ गया डबल बुली कोट में आ गया, अभी आप कह रहे हो कि कोट इसने शेड किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं गाइस इसकी एज का क्या सीन है इसकी। ये भाई अभी बच्चा है, 10.5-11 मंथ का बच्चा है भाई। ओके 10.5-11 मंथ का बच्चा है, तो आप देख सकते हैं गाइस बड़ा ही प्यारा है। और कहाँ से इम्पोर्ट है ये भाई? थाईलैंड से मंगवाया है। ओके थाईलैंड से इम्पोर्ट है, तो देख सकते हैं किसका, मतलब ब्लड लाइन कौन सी कैरी करता है ये? ग्रीन स्टोन भाई। ग्रीन स्टोन मतलब उधर की कोई फेमस कैनल है भाई, उनका जो इसका फादर है थाईलैंड चैंपियन है ना। ओके इसका फादर थाईलैंड चैंपियन, आप देख सकते हैं गाइस बड़ा ही प्यारा है। और इसकी आईज देख सकते हैं गाइस बड़े ही ब्लू आईज है भाई। ओके ब्लू आईज आप देख सकते हैं, बड़ा ही प्यारा है। डाइट का क्या सीन रहता है, तो आप देख सकते हैं गाइस। और डाइट वगैरह में क्या आप डालते हैं भाई साहब? ऐसा है जो डाइट प्लान है ये 2 टाइप्स का होता है, जैसे हम डॉग शो के लिए तैयार करना है उसका डाइट प्लान अलग रहता है, अगर ब्रीडिंग पर्पस के लिए हमने डॉग तैयार करना है उसका डाइट प्लान अलग रहता है। अगर किसी को भी अपने डॉग के लिए, डॉग ग्रोथ नहीं कर रहा ठीक है, डॉग को कोई भी प्रॉब्लम है हमको कॉल कॉन्टेक्ट कर सकता है, हम पूरा ट्रीटमेंट भी बताएंगे और डाइट भी बताएंगे, कोई भी कॉल कर सकता है हमको। कभी वैसे आप थोड़ा सा डाइट बता ही दो कि क्या क्या डालते हो इसको भाई। ऐसा है जैसे हम लोग खाते हैं अभी, हमको अगर हम हफ्ते में एक ही फूड खाएंगे तो वो बोर हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे साथ ही खाएंगे। और ये भी वैसा ही है, इनको एक फूड नहीं, इनको अलग अलग फूड देना। ओके वैरायटी ऑफ फूड हमें देना चाहिए बिल्कुल भाई ठीक है। इनको जैसे चावल चिकन और पेडिग्री ठीक है, दलिया चिकन और पेडिग्री ठीक है, किसी दिन दलिया और चिकन ठीक है। इनके चेंजेस होने चाहिए मतलब डाइट में जाने, क्योंकि मतलब आयरन वगैरह सारा कुछ इनको चाहिए चाहिए, आयरन हो गया अपना, विटामिन मल्टी विटामिन मल्टी विटामिन और कैल्शियम अभी बहुत टाइप्स के आ रहे हैं, जैसे न्यूट्रिश टेबलेट्स आ रही हैं और टॉप 10 आ रही हैं, इनका रिजल्ट बहुत बढ़िया है ठीक है भाई। जो भी मेरे कैनल से डॉग जाता है उनको मैं प्रॉपर गाइड करता हूँ भाई। ओके इधर आ गई हमारी शैडो, आप देख सकते हैं बड़े ही प्यारे हैं, देख सकते हैं आप। तो इसके हम पपीज भी आपको दिखाते हैं, देखिए गाइस। तो हमने इसको पपीज भी थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया हमारी ऑडियंस को, क्योंकि हमारे साथ नई ऑडियंस काफी ज्यादा जुड़ी है, थोड़ा सा इसके बारे में इसका सीन बताइए। भाई हमारी ये फीमेल है जो चैंपियन है। ओके कई डॉग शो विनर है भाई, बठिंडा डॉग शो पे भी, अम्बाला और चंडीगढ़ में भी ये विनर रही। ओके विनर रही थी, देखिए हमारी शैडो ये अभी बच्चे देके हटी है, और देखिए आप वैसी है इसकी जो बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर मतलब सेम ही है जैसे सेम है, जैसे बच्चे दिए हैं इन्होंने है ना, दूसरी फीमेल है गोट शेड कर देती ओके, ठीक है पतली हो जाती है, ठीक है इसका वो सीन नहीं है। ओके ठीक है। तो गाइस हम क्यूट से आप पपीज देख सकते हैं, बड़े ही प्यारे पपीज हैं, तो आप देख सकते हैं गाइस। कितनी एज होगी पाजी इसकी? ये भाई अभी हो चुके हैं 17 डेज के हो चुके हैं ये, 17 डेज के, 17 डेज के हैं। ओके मुझे लगा 25-30 के हुए, 17-18 डेज के हैं ये। ओके ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने दिए थे इसने, ये ओरियो के बच्चे मतलब? हाँ बच्चे ये सभी ओरियो के, ओरियो के हैं, तो आप देख सकते हैं गाइस मार्किंग चेक कर लो, ब्लू आईज है प्रॉपर। ओके ब्लू आईज आप आईज देख सकते हैं गाइस, इतनी इसकी कितनी ज्यादा प्यारी है। ये जब छोटे बच्चे होते हैं इनकी डार्क रहती है, जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं इसकी लाइट हो जाती है। ओके ठीक है। और कलर की बात करें कि कितने कलर आ जाते हैं हम हस्की में बात करें? हस्की में भाई कई तरह के कलर आ जाते हैं, जैसे स्नो व्हाइट कलर आ जाता है ठीक है, डार्क कॉपर आ जाता है, जैसे मैं आपको फीमेल दिखाता हूँ। ओके देख सकते हैं गाइस ये भी आ गई हमारी, ये भी आप ये अभी है 36 डेज ओल्ड है पपी। ओके ये 36 डेज ओल्ड है जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये किस किस बच्चे हैं? ये हमारी गोली के बच्चे हैं, गोली के नाम जो इनकी मदर है गोली है और फादर इनका ओरियो है। ओके ठीक है जी। और ऐसे एक ये कॉपर व्हाइट कलर में आता है और ये डार्क कॉपर है, एक लाइट कॉपर में, बाकी शेड आ जाते हैं। जैसे हाँ। हम बात करें कि प्यारा सबसे हमें ब्लैक एंड व्हाइट ही लगता है, ब्लैक एंड व्हाइट की ज्यादा मार्केट है भाई, और हमारे ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट ही सेल होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, पाजी ने है ना
इंटरनेशनल लेवल पर पाजी एक्सपोर्ट करने लग गए, एक्सपोर्ट हो रहे हैं आपके बच्चे, तो आप कौन सा पाजी कह रहे थे कनाडा जा रहा है बच्चा? ये बच्चा हमारा भाई दयाल भाजी ने बुक किया है, ये कैलगरी जाएगा कनाडा। और पिछली बार हमने चाओ अमेरिका टेक्सस भेजा था। और कोई भी डॉग आपने एक्सपोर्ट करवाना है कहीं भी, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका इंग्लैंड कहीं भी जाइए आपको, ओके वो हम एक्सपोर्ट भी कर देंगे। अगर आप यहाँ पे हो और आपने कोई बाहरी ब्रीड यहाँ पर मंगानी है वो हम इम्पोर्ट भी करवा देंगे। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पाजी भी कर रहे हैं लिंक पाजी के इंटरनेशनल लेवल तक है। बिल्कुल भाई, ओके। और इसका क्या सीन है? ये भाई गोली के बच्चे हैं, गोली जो इनकी मदर है और फादर इनका ओरियो है, ब्लू आईज में, ये कॉपर व्हाइट में कलर है, फीमेल है ये, ओके ठीक है। थोड़ा सा डर रहे हैं ना? हाँ ये डर रहे हैं बच्चे के कारण। इनका जो भाई प्रोसेस होता है बाहर भेजने का, इनका प्रॉपर केसीए सर्टिफिकेट चाहिए, इनके प्रॉपर वैक्सीनेशन लगी होनी चाहिए। जो इनका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड होता है, इनका ब्लड सैंपल लेके बॉम्बे भेजा जाता है, वहां से फिर इसका आता है जी मेडिकल सर्टिफिकेट, सभी चाहिए। और इनकी जो ट्रैकिंग चिप है वो भी लगती है, माइक्रोचिप भी लगती है, उसके बाद इसकी टिकट के साथ कार्गो कंपनी को हम भेज देते हैं और वो ट्रैवल करवा देते हैं। ओके, सो गाइस है ना, मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पाजी का नंबर। तो अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट।